दीवार पर बैठकर टुकुर टुकुर मुंह ताकने का वक्त नहीं है, ये अर्जेंसी का टाइम है। और इस अर्जेंसी के टाइम पे दीवार पे बैठ करके दायां जाएं कि बायां जाएं, ये मत सोचिए। जब आप जंग में होते हैं तो आपके पास जो अवेलेबल चीज़ें होती हैं आप उससे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जहाज है, अगर कांग्रेस पार्टी बचेगी तो हमारा मानना है इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों की आकांक्षाएं बचेंगी, गांधी की मीमांसा बचेगी, भगत सिंह के सपनों का भारत बचेगा और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समानता का भारत का निर्माण संभव हो पाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को एक लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, आज़ादी के साथ अपनी पूरी मुखरता के साथ सत्ता से सवाल पूछना और लोगों के हक के लिए लड़ना फिरना संघर्ष करने में हमारे साथी रहेंगे, हमारे सहयोगी रहेंगे। और ये परिवार संघ परिवार नहीं, वो क्या परिवार जो परिवार छोड़कर परिवार बनाना पड़े, वो परिवार जो आपको परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहता है, कहता है कि अपने परिवार में रहिए। अरे महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी को लेकर के अंग्रेजों से लड़ गए, बताइए इनको अपना घर छोड़ना पड़ा, कोई जरूरी है क्या? घर परिवार के साथ रहना है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी अपने परिवार के साथ रहते थे, आप जितने बड़े लोग हैं उनका इतिहास उठा करके देख लीजिए, सब लोग अपने परिवार के साथ रहते थे। वो परिवार छोड़ करके बनने वाला परिवार नहीं। न्याय बराबरी और संघर्ष के लिए इस परिवार में मैं शामिल हुआ हूँ। सभी सदस्यों के प्रति देश के अंदर फैले हुए लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को अपना आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मैं अब जिग्नेश भाई से प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी बात कहेंगे। जिग्नेश जी आ जाएगा वो। धन्यवाद। सबसे पहले तो केसी वेणुगोपाल साहब, सुरजेवाला जी, नितिन राउत साहब, पवल बंसल जी, भक्त चरण दास जी, साथ ही हार्दिक कन्हैया और दूसरे पार्टी के मंच पर विराजमान सभी सीनियर लीडर्स, आप तमाम पत्रकार साथी और वो तमाम साथी जो हमको आज मिलने के लिए हमारे समर्थन में आए हैं गुजरात के विभिन्न कोनों से और पूरे देश भर में से, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। साथियों, जो कहानी गुजरात से शुरू हुई उस कहानी ने पिछले 6-7 साल में इस मुल्क में क्या उत्पात मचाया है वो अब आपके हमारे सबके सामने है। एज अ नेशन, एक राष्ट्र के तौर पर हम एक अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ऐसा संकट इस मुल्क ने पहले कभी नहीं देखा। हमारे संविधान पर हमला है, दिल्ली की सड़कों पर संविधान की कॉपी को जलाया जाता है, हमारे आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला है, हमारे देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला है। आज भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बन जाए उतना जहर नफरत एक सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली और नागपुर साथ में मिलकर फैला रहे हैं। इस परिस्थिति में एक पॉलिटिशियन के तौर पे नहीं, बतौर एक भारतीय नागरिक मैं अपने आप को ये जब सवाल पूछता हूं कि मेरा फंडामेंटल फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी क्या होना चाहिए, तो अंदर से जवाब यही आता है, कुछ भी करके इस मुल्क के संविधान, लोकतंत्र और आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना चाहिए। और यदि उसको बचाना है तो मुझे उनके साथ खड़े रहना है जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में न केवल कॉन्ट्रीब्यूट किया है, उसको लीड किया है, अंग्रेजों को यहां से खदेड़ कर दिखाया है। और इसीलिए आज मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस मंच पर आपके साथ खड़ा हूं। एक टेक्निकल कारण के चलते मैं फॉर्मली पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक निर्दलीय विधायक हूं। इफ आई ज्वाइन अ पार्टी आई मे नॉट कंटिन्यू एज एन MLA। मेरी पार्टी के सीनियर लीडर से बात हुई, मेरे मतक्षेत्र के साथियों से बात हुई, अपने आप से बात हुई, राहुल जी से बात हुई, तो मुझे लगा कि मैं इस विचार के साथ हूं ना
ये सबसे प्रमुख बात है। मैं इस मुहिम मिशन और इस संघर्ष के साथ हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाकी की फॉर्मेलिटी तो आने वाले महीनों में भी हो जाएगी, और राहुल जी ने भी कहा कि वो जो पर्चा भर के सदस्य लेने की बात है वो तो कल भी कर लेना, अभी अपने मत क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े रहो। तो मैं फॉर्मली नहीं हूं लेकिन इस विचार के साथ आज जुड़ चुका हूं, और 22 का चुनाव में कांग्रेस के सिंबल से ही लड़ूंगा, उनके सारे कैंपेन्स का हिस्सा रहूंगा। और गुजरात के संदर्भ में आज साथी हार्दिक हमारे बीच में मौजूद है, तब कहना चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय स्तर पे जो हो रहा है वो सब कुछ हम लोग गुजरात में देख चुके हैं, झेल चुके हैं। आप सभी पत्रकार साथियों के बीच में बड़ी चिंता के साथ ये कहना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया है कि 3000 किलो का ड्रग्स 15-20 लाख बेरोजगार युवा को नशे की चुंगाल में फंसाने के लिए अदानी के एयरपोर्ट पर उतर रहा है। आज जब महंगाई और बेरोजगारी उसके चरम सीमा पर है, तब गुजरात और देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के बजाय ये फांसीवादी ताकतें चाहती है कि रोजगार तो ना मिले, उनको नशे के हवाले में झोंक दिया जाए। तो इन सारी परिस्थितियों में यदि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाना है, हमारे आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है, भगत सिंह को जब मुकदमे की कार्यवाही के दौरान पूछा गया कि क्रांति क्या है, तो शहीद आजम ने कहा था कि क्रांति से हमारा मतलब है किसानों और मजदूरों के हाथ में सत्ता। माननीय प्रधानमंत्री जब अमेरिका से वापस आते हैं तो भाई विस्टा का काम ठीक ठाक चल रहा है ना, नई पार्लियामेंट का, वो देखने के लिए जाते हैं, किसान को मिलने के लिए नहीं जाते। तो किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, महिलाएं हो, सबके ऊपर एक जो अनप्रेसिडेंटेड हमला है, इसको रोकने के लिए मैं भारत की जनता को, भारत के 21 करोड़ दलितों को और सारे लाखों करोड़ों युवाओं को अपील करता हूं, सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ, अभी वक्त नहीं है, कूद पड़िए, एक नया आंदोलन छिड़ने वाला है। स्वतंत्रता के आंदोलन की जो रौनक थी, वो जो चार्म था, वो जो माहौल था, हमको वो रिक्रिएट करना पड़ेगा। यहां पर तमाम वो लोग जो सचमुच मानते कि देश को बचाना है, उन सभी को हम अपील करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए, ये एक मिशन है और इसको मिशन की तरह लीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे कि साथी कन्हैया ने बचाया, कि डेमोक्रेसी के हमारे इस मुल्क में बहुत डीप रूट्स है, पार्टी के भी डीप रूट्स है, तो साथ में मिलकर हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और इस मुल्क को बचा पाएंगे। आप तमाम साथियों का मैं दोबारा स्वागत करता हूं और दोबारा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे देश की जनता को अपील करता हूं, सेंस ऑफ अर्जेंसी के साथ तुरंत जुड़िए, एक बहुत जबरदस्त माहौल हम लोगों को खड़ा करना चाहिए। मैं साथी हार्दिक कन्हैया और दूसरे यंगस्टर्स के साथ पूरे देश में हम लोग जाएंगे और हजारों लाखों युवा इस प्लेटफॉर्म में जुड़े, INC के साथ जुड़े, कांग्रेस पक्ष के साथ जुड़े, इसके लिए लग जाएंगे। आप तमाम साथियों का शुक्रिया। अभी आप एक मेरे मित्र ने कुछ बात कही थी, मैंने सोचा मेरी तो मानते नहीं, शायद छोटे की मान लें। ऑल राइट, देन वी विल गो टू समबडी हु, यस मैम, वी विल बिगिन विद यू। मैडम जी बुरा मत मानिएगा, लगता है कि सवाल आप पहले ही सोच लिए थे। मैंने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस खतरे में है, हमने कहा देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। आपने वो वीडियो देखा क्या, लाश के ऊपर डांस देखा ना, दिल पसीज गया होगा आपका। आपको नहीं लगा कि मैं इसके लिए कुछ कर पाऊँ, कुछ भी कर जाऊँ जो मैं कर सकती हूँ? आप जब सुनती होंगी कि बलात्कार हो गया है किसी महिला के साथ, आपका गुस्से से जो है ना पूरा शरीर कांप जाता होगा। देश खतरे में है, पार्टियां तो बनती रहेंगी, पार्टियों की कोई कमी है क्या? हर शाम पार्टी होती है इस देश में। पार्टी नहीं बचाना है, देश बचाना है, और देश बचाने की मुहिम में जो पार्टी रहेगी वो पार्टी भी बचेगी। और मुझे इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है, मैंने जितना इतिहास पढ़ा है अभी तक का, NCERT में जो लिखा हुआ है,
अब अगले बार 2024 में क्या लिखा जाएगा नहीं पता, उसमें तो यही है कि देश को आज़ादी जो है वो महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्या भाई हार्दिक, इन लोगों ने ही दिलाया ना, यही लोग लड़े थे। जो माफ़ी मांगे वो भीड़ हो गए, आप सोचिएगा इसको। जो गोडसे को भगवान मानते हैं वो भाषण दे रहे हैं अमेरिका में जाकर के गांधी के ऊपर। हमारे गांव में एक गाना आता था, गांधी जी के भजन करे गांधी के हत्यारा, कितना अजीब लगता होगा आपको, देखिएगा वो फोटो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री गांधी पे माल्यार्पण करते हैं। जीवन भर शाखाओं में कसम लिए होंगे कि गोडसे के सपनों का देश बनाएंगे और गांधी पे माला चढ़ा रहे हैं। सी आई एम नॉट हियर टू सेव द पार्टी, प्लीज आई एम रिस्पेक्टिंग यू एज ए सिटीजन, यू कैन रिस्पेक्ट माई राइट। देश खतरे में है और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुझे लगता है आप भी सोचते होंगे, समझ रहे हैं। अंग्रेजी का वो फ्रेज है डांसिंग ऑन डेड, डेड बॉडी पे कोई नाच रहा है, उस दिन खाना तो नहीं खाया गया। आप सोच के देखिए, आप इस पे विचार करके देखिए, मेरे गांव में अगर किसी की मौत हो जाए तो पूरे गांव में खाना नहीं बनेगा, हजारों लोग मर गए। देखे 71 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री के लिए सोहर गाया गया, नया बच्चा जो पैदा होता है ना तो पूर्वांचल में सोहर गाते हैं लोग, प्रधानमंत्री बूढ़े हो गए हैं उनके लिए सोहर गाया जा रहा है, तब जब अभी तुरंत लाखों लोगों की जान चली गई, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे। आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जिसके कोई जानने वाले नहीं मरे हों इसमें, इस क्राइसिस में, इतना बड़ा क्राइसिस जिसके देश में हुआ हो अभी तुरंत वो अपने जन्मदिन का जश्न मनाएगा, ये भोंडापन है। इस संस्कृति को बचाने की जरूरत है और इस संस्कृति को बचाने के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में क्षमता मौजूद है। लोगों को यह बात पसंद हो या ना पसंद हो, हकीकत यह है कि पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, इसीलिए इस पार्टी को यह जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और उस जिम्मेवारी को संभालने के लिए मैं यहां आया हूं। थैंक यू न्यूज नेशन, आई विल कम टू। जनता पार्टी का आरोप को कौन पूछता है, आपका ऊपर को आपका कोई आरोप है मेरे ऊपर? भारतीय जनता पार्टी को मैं सीरियसली नहीं लेता हूं, आपका कोई आरोप है? आप सवाल पूछिए। साहब जो साथी पीछे खड़े हैं थोड़ा आप शांति का दान दीजिए प्लीज। अरे भैया प्लीज, दुबे जी आप पूछिए प्लीज, आस्क योर क्वेश्चन क्विकली। Yeah, please, you cannot interrupt. No, no, you have to have discipline. My humble request with folded hands. There is no, but yes, I am not Prime Minister. I will take your question. No, don't worry. Democracy means that you should not supersede somebody who is asking question. That's what democracy is. Dubey bhai, आपका सवाल है News Nation से है। अच्छा भारी, जल्दी से पूछिए ना। नहीं, और लोगों ने किया, नाम बताएंगे। देखिए मैं यही कह रहा हूँ, मेरे हमारे देश के लोगों के पॉलिटिकल इमेजिनेशन को कुछ हो गया है, अभी क्या हो गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमने अपनी आपके सवाल को अपने आप लेते हुए हमने अपने पूरे वक्तव्य को रखा, हमने कहीं भी कहा कि हम कोई टीम बना रहे हैं, BCCI थोड़ी है सर, मतलब टीम बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि भारत की परंपरा, चिंतन परंपरा, सोच जिस पे आपको गर्व होता है भारतीय होने के चलते, उस परंपरा को समेटने का, उसको आगे बढ़ाने का काम देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने किया है। उस पार्टी के पास एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी है और इस देश का नागरिक होने के चलते, साथी जिग्नेश ने कहा, यह हमारी भी ऐतिहासिक जिम्मेवारी है कि कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमसे भी पूछा जाएगा, दुबे भाई आपसे भी पूछा जाएगा कि जब ये तमाशा हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे। हमने वो कहानी सुनी है बचपन में, आपने भी सुना होगा, जंगल में आग लगी, एक कोयल अपने चोच में पानी भर करके
जंगल की आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। जंगल की आग नहीं बुझी, या बुझनी होगी बुझ जाएगी। कम से कम कोयल का वह ऐतिहासिक प्रयास जो है वो इतिहास याद रखेगा। और ये जो आप कह रहे हैं ना डूबती हुई नाव, देखिए कभी कभी ना इंसान को भ्रम होता है, जैसे टिड्डे को भ्रम होता है कि वो अपने पांव से आसमान टिका रखा है। हमको ऐसा कोई भ्रम नहीं है, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा। जब आप जुड़ेंगे, हम जुड़ेंगे इस देश के संविधान में, आइडिया ऑफ इंडिया में भरोसा करने वाले लोग जो हैं, जिसको हम कहते हैं गांधी के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं सर भगत सिंह के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं बिरसा मुंडा के सपनों का भारत, सावित्री बाई फूले के सपनों का भारत, श्री कृष्ण सिंह के सपनों का भारत, जगजीवन राम के सपनों का भारत, मौलाना अबुल कलाम आजाद के सपनों का भारत, उस भारत को बचाने की बात मैं कर रहा हूं। और सियासत, मैं बार बार कहता हूं, अगर सियासत सही होगी तो गलत लोग जो सत्ता पे काबिज है ना, मुझे भारत के लोगों पे बहुत भरोसा है। अरे हैं हम लोग थोड़ा सा आलसी, लेकिन जब आ गए ना अपने पे, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया था, जब से भारत के लोग अपने पे आ गए ना, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जब नारा महात्मा गांधी ने दिया था, तो अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा था। और उस वक्त जो लोग अंग्रेज से पेंशन ले रहे थे, माफी मांग रहे थे, वो आज एनसीईआरटी की किताब बदल रहे हैं कि अपना नाम भी हम वीरों में लिखवा लें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस इतिहास को, उस चिंतन परंपरा को बचाने की जरूरत है। पार्टी अगर उस सिद्धांत पे चलेगी, संविधान के प्रीएम्बल को रक्षा करने की कोशिश करेगी, पार्टी भी बचेगी और पार्टी सत्ता में भी आएगी, ऐसा मेरा उम्मीद है, ऐसे मेरी आशा। जैनेंद्र फ्रॉम एबीपी, कैन यू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड आस्क। हाँ पूछिए जरा। एक सवाल पूछिए। हम एक आग्रह करें, आप लोग ना लड़ाई नहीं लगवाइए हमारे दोस्त के बीच में। भोरे से जो है ट्विटर पे आप लोग क्या क्या चला दिए हैं, और लोग हमको पूछ रहा है कि जिग्नेश का नाम काहे नहीं ट्रेंड कर रहा है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, हम ना अलग अलग लोग नहीं हैं, यह मंच आपस में बटा हुआ नहीं है। तो सवाल जो है सारा तोप का गोला जो है हमारे तरफ ही नहीं हो, मंच के तरफ मुखातिब हो, मैं भी जवाब दे दूंगा। यस जैनेंद्र जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। बड़ा जैनेंद्र भाई, बड़ा वैचारिक सवाल पूछे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र भाई। एक तो देखिए हमारी जो ये नई पार्टी है, इस पार्टी के जो संगठन के महासचिव हैं वो केरल से ही हैं। इनसे आप चाहें तो अकेले में भी पूछ लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमने एक शब्द नहीं बोला था। हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी बोले हैं, लेकिन केरल के विधानसभा चुनाव में नहीं, जेएनयू के प्रेसिडेंशियल स्पीच में बोले थे। देखिए हमको हमारा इतिहास पता है, और हम यही कहते हैं इतिहास का को तोड़ा और मरोड़ा नहीं जा सकता है। इतिहास इतिहास होता है, इतिहास कोई कागज पर लिखे हुए शब्द होते हैं क्या? आप उसको जो है इरेजर से मिटा दीजिएगा। केरल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं बोले थे। आपने पूछा कि कब इसको आपको ऐसा महसूस हुआ। देखिए महसूस तो मुझे राजनीति में आए हुए 18 साल हो गए हैं, और मैंने हमेशा ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं इस देश की जो राजनीतिक विरासत है वो भटक गई है। भूल भुलैया नहीं होता है, राइट लेफ्ट सेंटर घूमने लगा है, और पता ही नहीं चल रहा है कि एक्चुअल आइडियोलॉजिकल पोजिशनिंग कहाँ है, उसके थ्रेड्स कहाँ पे हैं। तो मैं जैनेंद्र भाई, आपने वैचारिक सवाल पूछा है, एक ऐतिहासिक तथ्य आपसे साझा करता हूँ। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था कल तक। वो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1936 में बना, और उस इतिहास जाकर के देख लीजिएगा, उसका जो इनॉग्रल सेशन था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उसमें भाषण हुआ था, और उस वक्त देश के जितने भी नौजवान थे, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है हमारे कुछ साथियों को,
लेकिन अपने विद्यार्थी के होने के जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हुए थे, बाद में निकाल दिया गया था। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जो छात्रों का संघर्ष हो रहा था, सभी विचारधारा के लोग उसके सदस्य थे। और आपने जो वैचारिक सवाल पूछा कि आपको लेफ्ट के भविष्य के रूप में देखा जा रहा है, कौन कह रहा है कि लेफ्ट का भविष्य खराब हो गया है? व्यक्ति आते हैं और जाते हैं, संगठन हमेशा व्यक्ति से बड़ा होता है।